केजरीवाल शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। मनीष सिसोदिया को बर्खास्त करो, बर्खास्त करो, बर्खास्त करो, बर्खास्त करो, बर्खास्त करो, बर्खास्त करो। भ्रष्टाचार में लिप्त मंत्रियों को बर्खास्त करो, बर्खास्त करो, बर्खास्त करो। आपको यह स्पष्ट है केजरीवाल भ्रष्ट है, बर्खास्त करो, बर्खास्त करो, बर्खास्त करो। पास हम लोग यहाँ पर हमारे नेता विपक्ष श्रीमान रामवीर सिंह विधूड़ी जी और सभी हमारे विधायक गण यहाँ आए हुए और अरविंद केजरीवाल से ये मांग करने के लिए कि सत्येंद्र जैन जो जेल में बंद हैं, कोर्ट ने भी उनको कह दिया है कि ये जिम्मेदारी अरविंद केजरीवाल की है, संवैधानिक रूप से वो दोषी हैं, वो एक चार्ज सीटेड हैं, उन्होंने भ्रष्टाचार किया मनी लॉन्ड्रिंग केस में, उनको बर्खास्त करने की जिम्मेदारी केजरीवाल साहब की है। दिल्ली के अंदर लिखकर माफिया को सपोर्ट किया, उन्होंने पूरा उनका साथ दिया और उसके साथ मिलकर जो उन्होंने शराब पॉलिसी बनाई जिसमें हजारों करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार किया, जिसकी बनाने वाले मास्टरमाइंड मनीष सिसोदिया है और उस पॉलिसी में जब करप्शन हुआ है मनीष सिसोदिया को भी बर्खास्त करने की डिमांड को लेकर हम लोग यहाँ बैठे हैं। सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया दोनों भ्रष्ट मंत्रियों को केजरीवाल बर्खास्त करो, इस मांग को लेकर हम लोग यहाँ पर आए और हमने कहा था कि जिस दिन मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन बर्खास्त होंगे तब तक हमारा यह आंदोलन किसी न किसी रूप में ये निरंतर चालू रहेगा। देखिए जिस तरह से रातों रात दिल्ली में शराब के ठेकों को बंद किया जा रहा है और पूरी नीति को वापस लिया जा रहा है, उससे तो साफ जाहिर है कि बहुत बड़ा गोलमाल था, सैकड़ों करोड़ की चोरी हुई थी जो पकड़ी गई और अब उसके बाद उसको वापस लिया गया। तो अब उसके बावजूद भी एक्साइज मिनिस्टर भी वहां बैठे हैं और मुख्यमंत्री जी भी चुप हैं, तो इससे तो जो भ्रष्टाचार मिटाने की बात कर रहे थे तो उसका उनका तो भ्रष्टाचार खुल गया साफ। उन्होंने शराब नीति में भ्रष्टाचार, हमारी ये मांग है कि मनीष सिसोदिया को बर्खास्त करो और आप जो है सत्येंद्र जैन जो ऑलरेडी जेल में है उनको दोनों मंत्रियों को बर्खास्त करो।